आज गुरुग्राम में आरवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक बैरियाट्रिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बैरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर विक्रम यादव और डॉक्टर राजेश यादव ने लगभग 2 दर्जन बैरियाट्रिक मरीजों की जांच की और इस कैंप द्वारा बैरियाट्रिक मरीजों को बैरियाट्रिक संबंधित इलाज की जानकारी भी दी गई। आइए देखते हैं डॉक्टर विक्रम यादव और डॉक्टर राजेश यादव से पूरी बातचीत। देखिए, आज हमारा जो कैंप था बैरियाट्रिक सर्जरी का, उसमें 22 पेशेंट्स आए हैं और उसमें से 8 पेशेंट्स जो थे वो फीमेल हैं और रेस्ट ऑफ देम वर मेल्स। देखिए, बैरियाट्रिक सर्जरी जो है वो एक परमानेंट वेट लॉस का एक तरीका है, जिसमें अगर मॉर्बिड ओबेसिटी मतलब वेट इतना ज़्यादा है कि जो आपकी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, जिसमें आप जैसे सीधे सो नहीं सकते, आपको डायबिटीज़ है अनकंट्रोल्ड, आपको जॉइंट्स में पेन है, आपको स्लीप एपनिया है, तो ये सब प्रॉब्लम्स अगर आपको हैं और उसके साथ साथ वेट बहुत ज़्यादा है तो आपको ये बैरियाट्रिक सर्जरी रिकमेंड की जाती है। बाकी लोगों को ये के लिए ये सर्जरी नहीं है कि आप थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो गया, इसके लिए सर्जरी करवाने की आवश्यकता नहीं होती। भूख को मैनेज करने का सिस्टम बॉडी में जो है, दैट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, वो ब्रेन इंटेस्टाइन सबको इन्वॉल्व करता है। तो इन स्लीव गैस्ट्रेक्टमी वी रिमूव द पार्ट ऑफ द स्टमक, फंडस निकाल दिया जाता है और फंडस में ग्रेलिन सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से भूख लगती है और भूख के बजाय क्रेविंग जो होती है वो कंट्रोल होती है। तो अगर बंदे को खाने की क्रेविंग नहीं होगी तो वो पार्ट ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा दिमाग से भूख के सिग्नलिंग रहती है, क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी, एक लिमिटेड भूख जो है वो आपको फिर भी लगेगी, उसके बाद भी भूख लगती है। तो ऐसा नहीं होगा कि वेट लॉस इतना हो जाए कि इंसान मर जाए या ऐसा कुछ हो, ऐसा नहीं होता है।